अभी तक हमने जो पढ़ी हैं वो है प्राकृत संख्याएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया आगे वैसे वैसे गणना के लिए कुछ और संख्याओं की जरूरत महसूस हुई। जैसे कि आप ये सोचो कि मान लो आपके पास 5 वस्तुएं हैं और वो 5 वस्तुएं किसी और को दे दे तो आपके पास क्या बचेगा। ऐसे में आप कहेंगे कि 0 बचेगा, लेकिन ये 0 तो आप आज की जानकारी के हिसाब से कह रहे हैं। मतलब अगर केवल प्राकृत संख्याएं होती तो उनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये निर्धारित हो सके कि आपके पास क्या बचा, तो ये 0 को इंक्लूड किया गया। ऐसी समस्याओं के लिए 0 को इंक्लूड किया गया, तो 0 को इंक्लूड करने के बाद में जो संख्याओं का समुच्चय बना उन संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी अभी तक आपके पास क्या थी, प्राकृत संख्याएं, यानी कि सभी पॉजिटिव संख्या थी, लेकिन अभी आपके पास क्या हो गया, इसी समुच्चय के अंदर गणना के लिए आपके पास 0 भी आ गया। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जिनमें प्राकृत संख्याओं के साथ गणना के लिए 0 भी उपलब्ध हो, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। लेकिन वक्त के साथ संख्याओं की जरूरत और बढ़ती गई। लेकिन यहां पे देखिए, आप गणना के लिए केवल धनात्मक संख्याओं का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मान लो कि अगर आपको ऐसे कहा जाए कि मान लो कि आप मेरे 10 रुपए मांगते हो, ठीक है, तो आप 10 रुपए मांगते हैं, फिर मैंने आपको 20 रुपए दे दिए, तो अभी मैं आपके मांगूंगा, यानी कि पहले आप मांगते थे अब मैं मांगूंगा, तो इसमें क्या हो रहा है, मांगने वाले की दिशा चेंज हो रही है, समझ रहे हो। तो ऐसी गणनाओं के लिए क्या होगा, ऐसी गणनाओं के लिए क्या चाहिए, हमको और संख्याएं चाहिए। अब ऐसी संख्याओं की उत्पत्ति करनी होगी जो ऐसी गणनाओं के लिए यूज हो सके, यानी कि अभी आपका क्या है, पहले आप मांगते थे 10 रुपए, अब आपके कर्ज है 10 रुपए, यानी कि पहले आप धनी थे, 10 रुपए के धनी थे, अब 10 रुपए के ऋणी हो गए। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ऋणात्मक संख्याएं चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याओं को इंक्लूड किया गया और नई संख्या की जो पद्धति बनाई गई वो थी पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्णांक वो संख्या थी, उस क्या बनाया गया, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या किया गया कि हमारे पास पूर्ण संख्या तो थी, पूर्ण संख्या तो थी ही, लेकिन गणना के लिए हमने क्या किया, इन्हीं संख्याओं के ऋणात्मक मान भी हमने गणना के लिए इंक्लूड कर लिए। इसका मतलब हमारे पास क्या है, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और क्या है, 0, यानी कि गणना हमने पूर्ण कर ली, ठीक है। तो इनसे हमारी जो है प्राकृत संख्या बनी, प्राकृत संख्याओं को मिलाकर, 0 को मिलाकर हमने पूर्ण संख्या बनाई, उसके बाद हमने ऋणात्मक संख्याएं मिलाकर क्या बनाई, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद में हमारी क्या हो गई, संख्या जो है पार्शियल होने लगी। जैसे मान लो कि किसी को आधा हिस्सा चाहिए, ठीक है, किसी को मान लो किसी एक चीज को दो हिस्सों में बांटना है, एक चीज को दो हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है कि कैसे, इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको दो हिस्सों में बांटा जा सके। तो दो हिस्सों में बांटने के लिए ही हमको किसी भी हिस्से में बांटने में, कितनी भी संख्या हो किसी भी हिस्से में बांटने के लिए हमने क्या नई संख्याओं का इजाद किया, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न संख्याएं, ठीक है। तो भिन्न संख्याएं क्या होंगी, भिन्न संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पे पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो, पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। पी और क्यू क्या होंगी, ऋणात्मक हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं, लेकिन क्यू यहां पे 0 नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है किसी भिन्न संख्या के लिखने के लिए। और यहां पे जो ये वाली संख्या होगी उसको हम कहेंगे अंश, क्या कहेंगे, अंश, और ये वाली जो संख्या होगी उसको हम कहेंगे हर, और यहां पे जो ये जो चिन्ह लगाया है ये इसको हम कहते हैं बट्टा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बट्टा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे अंश बटे हर, अंश बटे हर, ठीक है। और यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, यहां पे हम पी संख्या को क्यों भागों में बांट रहे हैं, पी संख्या को क्यों भागों में बांट रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी जो है वो क्या होगा, भाज्य, और क्यों यहां पे क्या होगा, भाजक,
ठीक है। तो इसको हम p बटे q को हम इसको भाज्य बटा भाजक भी कह सकते हैं। पर अभी आप जानते हैं कि जैसे हम भाग निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहां पे भाज्य लिखते हैं, यहां पे भाज्य लिखते हैं और यहां पे भाजक, ठीक है। और उसके बाद में भाग देने से हमारे पास क्या आएगा, एक भागफल आएगा, एक भागफल आएगा और यहां पे क्या आएगा हमारे पास शेषफल, ठीक है। शेषफल शून्य भी हो सकता है। अब इसी सूत्र को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर इसका और इसका गुणा करें, इसका और गुणा करें और ये वाला संख्या जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाज्य। यानी कि भाज्य जो है वो किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाज्य किसके बराबर हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम इन संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, भिन्न संख्याएं। अब भिन्न संख्याओं को क्या किया गया है, भिन्न संख्याओं को अलग अलग प्रकार होते हैं। यानी कि यहाँ p बटे q के मान के आधार पर भिन्न संख्याओं को क्या किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। भिन्न संख्याओं को क्या किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन प्रकार की भिन्न होती है, यानी कि तीन प्रकार की भिन्न होती है। एक होती है उचित भिन्न, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर। एक होती है अनुचित, अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर। और एक होती है मिश्र भिन्न, अब यहां पे उचित भिन्न कौन सी होगी, उचित भिन्न कौन सी होगी, हमारे पास क्या है, p बटा q है, p बटे q एक भिन्न है। यहां पे अगर p इज लेस देन q, p इज लेस देन q यानी कि p का मान जो है q से छोटा है, यानी कि अंश का मान जो है हर से छोटा है, तो वो हमारी क्या होगी, उचित भिन्न। और यहां पे p बटे q में यदि ऐसा है कि p का मान जो है q से ज्यादा है, p का मान q से ज्यादा है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, क्योंकि ये पार्शियल हो सकती है, समझ रहे। तो इसको हम क्या है, अनुचित भिन्न कहेंगे। मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या प्लस भिन्न होती है, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, एक अक्ष एक प्राकृत संख्या है p प्लस q, ठीक है। ये हमारे पास एक भिन्न है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस मानेंगे, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये अक्ष q प्लस p बटे q, ठीक है। और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, अक्ष सही p बटे q, अक्ष सही p बटे q, ये इस तरीके से लिखी जाती है, अक्ष सही p बटे q। एक्चुअल में ये जो मान है वो अक्ष प्लस p प्लस q का, p बटे q का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास भिन्न हो गई, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इन संख्याओं को हमें क्या है, भिन्नात्मक रूप में लिखना पड़ रहा है। इन संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, भिन्नात्मक रूप में लिख रहे हैं। तो हमने क्या है, इन संख्याओं को विस्तार रूप देने के लिए, यानी कि भिन्नात्मक रूप न दिखना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया, इनको और हल किया। हल करके हमने एक नई संख्याएं बनाई, उनको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, इन संख्याओं के बाद में दशमलव संख्याएं। अभी हमारे पास क्या था, p बटे q, p बटे q क्या थी, भिन्न थी। इसी भिन्न रूप को अगर कोई संख्या को p बटे 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सके, p बटे 10 की पावर n, यानी कि किसी को दशांक के घातांक के भागफल के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या ये हमारी क्या होगी, ये हमारी संख्या क्या होगी, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है। फिर यहां पे p और n, p और n दोनों क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनको के हर में 10 की घात
के रूप में लिखा जा सके। जैसे मान लो कि 2.5 है, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10^1। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ये जो संख्या है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दशमलव संख्या। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 2.5 को इस रूप में लिख सकते हैं, 25/10^1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये एक दशमलव संख्या होगी। ठीक है, अब दशमलव संख्या जो है इनको डिवाइड किया गया है विभिन्न प्रकार से। तो दशमलव संख्या किस प्रकार की होती है, एक होती है शुद्ध दशमलव भिन्न, शुद्ध दशमलव संख्या। शुद्ध दशमलव संख्या कैसी होती है, जैसे कि आप मान लो कि 2.5 ये फिक्स है, ठीक है, 2.5, 3.5 या ऐसा कुछ भी मान जिसका मान क्या है, निश्चित हो, पूरा निश्चित हो, ऐसे मान को हम क्या कहेंगे, शुद्ध दशमलव। यानी कि कुछ मान ऐसे होंगे, जैसे मान लो कि 1/3 का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0.333। तो ऐसी संख्या क्या है, परिवर्तित होती रहती है, यानी कि उनके दशमलव के बाद में जो मान है वो लगातार रिपीट होता रहता है, या फिर रिपीट नहीं भी हो सकता है, रिपीट हो भी सकता है और रिपीट नहीं भी हो सकता। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव संख्या। यानी कि हम इनको क्या लिखते हैं, अक्ष दशमलव वाई की बार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अक्ष दशमलव वाई जेड। ठीक है, ये रिपीट होती रहेंगे, आगे दशमलव के बाद में अंक जो है बढ़ते रहते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या। तो ये हो गई हमारी दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या कौन सी होंगी, जिन संख्याओं को पी बटे 10^n के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और एन क्या होंगे, पूर्णांक संख्या। और ये क्या होती है, शुद्ध दशमलव संख्या या अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, उसके बाद में हमारी क्या है, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को, या अभी तक हमने जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं दो प्रकार की और संख्या बताता हूं। ठीक है, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, दशमलव भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या क्या होंगी, जिनको पी बटे क्यू रूप में लिखा जा सकता है, जिनको पी बटे 10^n रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन जिन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे अंडर रूट दो का मान क्या होता है, 1.1414। ठीक है, √414। ठीक है, लेकिन ये मान आगे भी आता रहता है, ऐसी संख्या ये क्या होगी, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद में आप देखिए एप्सिलॉन का मान क्या आता है, इसका मान आता है 2.171 इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद पाई का मान देखिए, पाई का मान क्या आता है, 3.1416 इस तरीके से आता है। तो ये क्या है, मान जो है शांत नहीं होते, ऐसी संख्याएं हैं क्या होंगी, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या वे होंगी जिनको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकते, पी बटे 10^n के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिनको भिन्नात्मक रूप या दशमलव संख्या में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। वे संख्या जिनको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि जिनका मान जो है निश्चित नहीं होता, दशमलव के बाद में या भिन्नात्मक रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता, ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इन परिमेय और ऐसे परिमेय संख्याओं को मिलाकर, इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर एक संख्या समुच्चय बनता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या हो गया, रियल नंबर क्या हो गया, आपके पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है,
तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके अंदर आपकी परिमेय संख्या भी इंक्लूड होगी और अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वास्तविक संख्याएं। अब इन संख्याओं के बीच में हमारे पास गणना के लिए कुछ और समस्याएं आने लगी, जैसे कि आपको बताता हूं कि ऐसे मान के चलो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, वन बराबर जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो है, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, एक्स बराबर क्या होगा माइनस वन का अंडर दी रूट, ठीक है। यानी कि एक्स का मान क्या हो रहा है, ये अंडर रूट माइनस वन आ रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक ऋणात्मक संख्या, क्या आएगी, एक नेगेटिव संख्या। अब ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या आती है, ऐसा केवल काल्पनिक स्थिति में संभव है, ऐसी कोई संख्या नहीं होती। तो इसी संख्या को हम क्या मानते हैं, इसी संख्या को माइनस वन को, अंडर रूट माइनस वन को हम क्या मानते हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है। और इन काल्पनिक संख्याओं, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को के योग से हमारी क्या बनती है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगी, है सम्मिश्र संख्या। जैसे कि मान लो कि एक्स बराबर ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी, इस तरीके की जो संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, जहां पर ये एक वास्तविक भाग है और ये हमारा एक काल्पनिक भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स एक सम्मिश्र संख्या बनेगी। तो हमारे पास क्या हो गया, इससे हमने क्या देखा है कि काल्पनिक संख्या क्या होगी, अंडर रूट माइनस एक, इसी को क्या लिखते हैं, आइटा। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या क्या होगी, ए प्लस आइटा बी, यहां पे ये क्या है, रियल पार्ट और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या होंगी। उसके बाद में गणित के अंदर अध्ययन करते समय एक चीज आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि मान लो, ठीक है। तो मानते समय हम एक ऐसी अज्ञात संख्या मानते हैं जिसको हमें ज्ञात करना रहता है या फिर ज्ञात करने के लिए यूज करना रहता है। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है उन्हें अचर संख्या कहते हैं, यानी कि अचर संख्या और चर संख्या। ये होगा कॉन्स्टेंट नंबर, ये होगा हमारा वेरिएबल नंबर, ठीक है। कॉन्स्टेंट नंबर में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं एक संख्या लिखता हूं पांच, ठीक है। तो ये पांच है तो ये इसका मतलब ये पांच ही रहेगा, सात है तो सात ही रहेगा, 1008 है तो ये 1008 ही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसी संख्याएं जिनका मान जो दिया है वही रहेगा, इनका मान बदल नहीं सकता। कुछ भी मान लो कि अंडर रूट दो दिया है तो ये अंडर रूट दो ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान हमारा मान जो है वो किसी दूसरी संख्याओं पर निर्भर करता है, किन्हीं दूसरी संख्याओं पर निर्भर करता है, यानी कि अगर जिन पे निर्भर करता है उनका मान बदलेगा तो इन संख्याओं का भी मान बदलेगा।
तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, ए बी सी इस तरीके से एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम जो संख्याएं यूज करते हैं गणित में गणनाओं के लिए एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसा कुछ भी यूज करते हैं, तो ये सभी क्या है हमारे चर संख्याएं मानी जाती हैं। इनका मान बदल सकता है क्योंकि इनका मान समीकरण की किन्हीं दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने आज के अध्ययन में पढ़ा है कि संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं, किस किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है और इनके जो समुच्चय हैं वो कैसे होते हैं और समुच्चयों के अंदर किस समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं हम गणना के लिए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संख्या पद्धति का ये वाला अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न जो है वो अगले इस अगले क्लास के अंदर इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आते हैं पूछे जाते हैं वो सब सरल करने की कोशिश करेंगे, तो एक बार आपको रिव्यू करवा देंगे, उससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है।